अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्लेक्स। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम एमसीक्यूज व्हिच आई कंडक्टेड द टेस्ट सम डेज अगो। आई वाज अनेबल टू एक्सप्लेन बिकॉज आई वाज बिजी। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन एमसीक्यूज को। इनकी मैं टेस्ट ले चुका हूँ अपने ग्रुप में। आप चाहें तो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। आप वहाँ पर ज्वाइन का मैसेज करें तो आपको मेट कर दूँगा और टेस्ट दोबारा शेयर कर दूँगा। तो MCQs, 10 MCQs का टेस्ट हुआ था। पहला MCQ पढ़ते हैं। ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनोल, एनिलीन। ये हमने डाई अजोनियम क्लोराइड बनाया। ये जो नाइट्रोजन का ग्रुप प्रेजेंटेड, इसको डाई अजोनियम क्लोराइड बेंजीन के साथ अटैच है। इसको जब हम गर्म पानी में बॉयल करेंगे तो ये जो सॉल्ट है डाई अजोनियम नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिलके HCl बनाएगा और हमें फिनोल मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का सॉल्यूशन मतलब पानी ऐड कर दो तो डाई अजोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यकीनन वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अपन वार्मिंग विथ वार्म वाटर दीज डाई अजोनियम सॉल्ट फाइनली हाइड्रोलाइज टू फिनोल्स। दूसरे MCQs पे आ जाते हैं, थोड़ा टफ है तो गौर से सुनिएगा। व्हाट इज़ द रिएजेंट विच विल रिएक्ट विथ क्यूमीन टू गिव फिनोल। सबसे पहले पता चलना है क्यूमीन किसे कहते हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब भी बेंजीन के साथ अटैच होगा तो उसको क्यूमीन कहेंगे। क्यूमीन आ गया। कौन सा रिएजेंट है जो क्यूमीन के साथ रिएक्ट करके फिनोल बनाएगा? तो इसके दो स्टेप होते हैं। तो पहले तो ऑक्सीजन जो रिएजेंट है, ऑक्सीजन जब भी इसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है, वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। ऑक्सीजन को कोई मिला नहीं, इसने रिएक्ट किया नहीं, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर देगी आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन। तो हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाएगी ऑक्सीडेशन के ज़रिए। तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक, तो दूसरे स्टेप में हाइड्रोपरऑक्साइड को जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो फिनोल बना लेगी। तो इस स्टेप के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आगे क्या होगा। फिनोल इस तरह बनेगा, लेकिन जो रिएजेंट यूज़ होगा वो हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसका अगर हम IUPAC नेमिंग करें क्यूमीन की, तो 2 हाइड्रो पर ऑक्सी प्रोपेन 2 आयल बेंजीन। तीसरे MCQs की तरफ आते हैं। बिल्कुल पहला MCQ से वर्डिंग को घुमाया हुआ है। फिनोल इज ऑब्टेन बाय हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेंजोइक बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने पीछे लिया था, यही चीज़ बनी थी। ठीक है, अपॉन वार्मिंग विथ वार्म वाटर फिनोल इज फॉर्म बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम क्लोराइड बेंजीन का। तो ये तीसरा MCQs बिल्कुल वही है। चौथे MCQs पे आते हैं। ईथर में बी यूज एज सॉल्वेंट बिकॉज दे ओनली रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। ईथर्स रिजिस्ट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिस, यानी न्यूक्लियोफाइल और बेसिस के साथ ईथर रिएक्ट नहीं करता। हाउएवर दे आर वेरी गुड सॉल्वेंट इन मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, लेकिन चूंकि ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज़ होता है, ड्राई ईथर यूज़ कर लिया वगैरह मतलब, तो ये केटायन को सॉल्वेट कर देगा, बना लेगा केटायन। कैसे? इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा अपने ऑक्सीजन वाले एटम से। तो कॉमन फार्मूला इसका ये होता है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है तो ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ईथर्स आर लेस रिएक्टिव एंड रिएक्ट ओनली विद एसिड। ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी में मतलब केटायन सॉल्वेट कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल और बेसिस पे ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चौथे MCQs की तरफ आते हैं। ईथर से ही कंसर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्टेंड बाई कीपिंग ईथर इन कॉन्टेक्ट विद एयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो एज अ कैटलिस्ट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं, मेटल कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी इसको ऑक्सीजन या एयर में एक्सपोज करेंगे हम ईथर को, तो ये हमेशा एक्सप्लोसिव परऑक्साइड्स बनाएगा। तो हियर इज एक्सप्लोसिव परऑक्साइड, ये रहा हमारे पास। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये हमने रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है ऑक्सीजन की मौजूदगी में लाइट एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, डाइथाइल ईथर परऑक्साइड। छठा MCQ है। What is the correct order of reactivity of different types of alcohol towards hydrogen halide? Hydrogen halide, carbonation की डिग्री पे। अब carbonation कैसी है? Hydrogen halide को छोड़े, हम common example लेते हैं जो हमने SN1 SN2 reaction में। Suppose ये 3 R group अटैच हैं carbon carbonium के साथ,
ये कार्बोकेटाइन इसे कहते हैं कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ HX विद हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कोहल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कार्बोनेशन जनरेटेड ड्यू टू हेट्रोसाइकिल क्लीवेज ऑफ HX बॉन्ड। ये डिफरेंट क्लीवेज होगा, डिफरेंट एटम्स के दरमियान ब्रेकडाउन होगा बॉन्ड का, तो ये उस रिएक्शन को बयान कर रहे हैं। बस एक बात आप जहन में रख लें कि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो SN2 रिएक्शन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए दोनों हो सकते हैं SN1 भी SN2 भी, वो सॉल्वेंट पे बेस करता है, पोलर है या नॉन पोलर है। टर्शियरी अल्कोहल हमेशा SN1 को सपोर्ट करेगा, तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये होगा, ये वाला पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसका ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। तो SN1 जो होता है, याद करें, हमेशा आयोनिक नेचर का होता है, SN2 मॉलिक्यूलर नेचर का होता है, और SN1 हमेशा फास्ट होता है, SN2 स्लो होता है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है, इसी के हिसाब से हम अरेंज कर लें। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वुड बी मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। भाई सोल्यूबिलिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतनी सोल्यूबिलिटी कम होगी, जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतनी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा सूटेबल की बात कर रहा है, यानी मॉलिक्यूलर मास कम होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोपेन में 3 कार्बन है, मॉलिक्यूलर मास सबसे कम प्रोपेनॉल का होगा, तो ये ऑप्शन सही है, इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, बाकी में 6 हैं 5 हैं 4 हैं। ओके, आठवां है एसीटोफिनोन, यानी कीटोन ग्रुप की बात कर रहा है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच रिएक्शन, रोजेनमंड, सैंडमेयर, वर्ड्स, फ्रेडलक्राफ्ट। ये रिएक्शन हमने किया था मैकेनिज्म में, 7वां चैप्टर है उसमें हमने ये वाला रिएक्शन किया हुआ है। तो ये फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन कराता है, जब भी ल्यूइस एसिड हमेशा उसमें एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा बेंजीन के साथ, तो हमारे पास एसीटोफिनोन यानी फिनोन बनेगा, C(OR) कार्बन की चेन, ये होता है ना कीटोन का फार्मूला जनरल, RR की जगह पे बेंजीन रिंग आ गई, C(O), ये R। ठीक है, और HCl एक हाइड्रोजन निकलेगा जिसकी जगह पे ये अटैच होगा, तो वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाया। कैसे आ जाए देख लेते हैं, फिर भी ये नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन आके इसके साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा, बाकी ये हिस्सा जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलता है आके अटैच हो जाएगा। ओके, 9 MCQs पे चलते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, फॉर बेंजल्डिहाइड C6H5CHO विच इज़ इनकरेक्ट, ऑन ऑक्सीडेशन इट यील्ड्स बेंजोइक एसिड। ठीक है, यूज्ड इन परफ्यूमरी, बिल्कुल ठीक है, एरोमेटिक दिख रहा है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग मौजूद है, ये भी ठीक है, ऑन रिडक्शन यील्ड्स फिनोल, रिडक्शन करवाते हैं यानी हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, हाइड्रोजन ऐड करवाया तो ये फिनोल नहीं दे रहा, ये तो बेंजाइल अल्कोहल दे रहा है, तो ये डी ऑप्शन गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। बोलता है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो शॉर्ट टर्म में मैंने इसको एक इक्वेशन में सम किया है, सॉल्युबिलिटी जो है वो चेन लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी चेन लेंथ ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी चेन लेंथ कम होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी, अगर दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो पहली चीज़ कम होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाए क्या बनेगा, हाँ तो एक गलती हो गई है, इसको 1, 2, 3, 4 के हिसाब से नाम दिया था, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको 2 लिख लेता हूँ, इसको 3 लिख लेता हूँ, इसको 4 लिख लेता हूँ, अब हमारा इसमें से आंसर ढूंढना सही हो जाएगा। तो चेन लेंथ कम सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाई सॉल्युबिलिटी फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी चेन लेंथ, सबसे ज़्यादा मिथेनोइड की कम होगी, तो पहला हमारे पास 1, उसके बाद मिथेनोइड के बाद इथेनोइड आएगा, फिर 3, फिर प्रोपेनोएट आएगा, फिर 4, फिर ब्यूटेनोएट आएगा, 4 कार्बन की चेन वाला 2। तो हमारी इक्वेशन ये बनती है, तो सही कौन सा होगा हमारे पास ऐसा, 1, 3, 4, 2 भी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये कुछ 10 MCQs का टेस्ट लिया था और 10 के 10 MCQs मैंने सॉल्व कर लिए, क्योंकि मिथेनोइड सबसे ज़्यादा हाईली सोल्यूबल क्यों होगा, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए पानी से एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, नो एनर्जेटिक कंपेंसेशन फॉर ब्रेकिंग अप ऑफ और क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए। तो ये 10 MCQs हमने सॉल्व किए, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन टोकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।